بسم الله الرحمن الرحيم القران حياتي القران is my life the way to connect with allah subhanahu wa السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد बाउल मिनिम बसमी इनशा सिर रौत के इंटरव्यू के बाद हम उसके जो है वह आयतों की तरफ चलते हैं और जैसे कि हमने देखा पहले भी के इसका जो मौजू है बिल्कुल वही है जो मक्की मक्रतों का होता है तोहेद रिसालत नबूत और दोबारा जी उठने के बाद अल्लाह सन्ना जो है वो जजा और सज़ा देंगे इन तमाम टॉपिक की तरफ मश्रकी का जो है वो मश्रकों का जो है वो बहुत ज़्यादा तोजह दिलाई गई है इनशा आज हम आयत नंबर एक और दो देखते हैं और उस पर ग़ौर विक्र करने की कोशिश करते हैं आज़बिल बिनशौन بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ألف لام ميم را حروف مقطعات هي آيات الكتاب كي आपकी तरफ आपके रब की तरफ से कैसी है कि हक़ से भरपूर है और लेकिन अक्सर इंसान मानते ही नहीं हैं इसको आयत नंबर टू على असम वमदिन الشمس والقمر स يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله وحي ہے وہ جس نے بلند کیا آسمانوں کو بلندی دی آسمانوں تم دیکھتے ہیں فِرْ أَبْنِي اقتدار كار مركز بَنَاياَ اللہ نے और उसी ने जो है मुसखर कर दिया सूरज और चाँद को यानि काबू में दे दिया काम पर लगा दिया हर एक की गर्द जारी है यानि हर एक जो है काम कर रहे हैं अपने अपने मुकर वक्त तक अल्लाह सुबहना तला इंतज़ाम चलाता है कायनात के मामलत का वही तफसील बयान करता है आयतों की ताकि तुम अपने रब की मुलाकात पर यकीन कर लो सुबह अल्लाह कितनी खूबसूरत जो है आयतें हैं और आयतें जब लफ्जी तर्जमानी में इतना कुछ आपको समझ आ रहा है तो सोचिए कि इसकी डिटेल में कितना कुछ आपको इन समझ आएगा यहाँ पर देखें आप इनशा हम एक एक आयत को एक एक चीज़ को जो है वो लेकर चलते हैं आसानी से बात आपको अल्लाह के हुकम से समझ आ जाएगी यहाँ पर देखिए कि अलिफ लाम मीम रॉ ये रुप मुकत्त है और पहले भी आपको बताया जा चुका है कि ये किताब जो है यानी कि इलाही की आयात के हैं यहाँ पे बताया जा रहा है तिल का किताब तिल का किताब पे अगर हम बात करें यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि ये जो है आयत किताब की है हुँ? और याद रखिए कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अंदाज़ अलग है पीछे हमने जा किताबू देखा था ये किताब है और ये किताब की आयतें हैं तो क्या पता चला इससे कि यहाँ पर कुल बोलकर कर जुस मुराद लिया जा रहा है हु? और सूरत और आयत इससे मुराद दोनों ही यानी एक सूरत इस किताब की आपके सामने पेश की जा रही है दूसरी ये बात भी हो सकती है कि ये आयतें या सूरते आपकी तरफ़ बयान की जा रही हैं दोनों ही तरीक़ों से ये बात सच है और इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इनशल आप देखोगे कि हाफिज़ इज़म इबन लिखते हैं कुरान करीम की जिस सूरत की भी इब्तः ये हरूफी मुकत् से होती है और हमने पहले भी इस चीज़ को जो वाजी कर दिया है कि ये कुरान ताला की तरफ़ से बरहक किताब है अहले मक्का अपने आप को बहुत स्टूडियस समझते थे और ये अली ला मीम रॉ उन्हें बोलकर बिल्कुल बेबस कर दिया गया कि तुम जो है नबी करीम अलैहि वसल्लम के सुन्नत के बग़ैर कुरान को समझ ही नहीं सकते हो इस तरीके से और ये कुरान बरहक है हाँ जिसकी यानी कि हकानियत है सदाकत में जरा बराबर भी किसी चीज़ का कोई शुबा है ही नहीं इसलिए कि इससे शुरुआत से ही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐसा कलाम कोई इंसान ला ही नहीं सकता है ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है ये किताबें इलाही है ये जो आयतें तुम्हारे सामने बयान की जा रही है अल्लाह की किताब की हैं अल्लाह तबारा जो है यानी कि आगाह कर रहा है इंसानों को कि ये सच्ची किताब है कैसे पता चला कि आप देखें कि आगे अल्लाह सुबहाना तला ने क्या कहा कि ये जो क़ुरान है ये किताब इसकी जो आयतें हैं वो दीन के असूल और हर चीज़ की तरफ इंसान को रहनुमाई करता है और याद रखें कि गाइडलाइंस ज़िंदगी कैसे गुजारना है हिदायत इंसान इन तमाम चीज़ों का महताज है अब आगे जैसे अल्लाह ने कहा अब सवाल उठता है कि भाई किसकी तरफ से आई है तो व लजी और ये किताब किसने उतारी है ये जो कुछ भी आपकी तरफ़ नाजिल किया है अल्लाह ने वो हक़ है जी हाँ एक बात बोल कर अल्ला सब्ला तला किन्ना सलामून कह दिया कि देखो भाई ये हक है लेकिन अल्लाह का शिकवा क्या है अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं लाते हैं अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं रखते चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि अलह क्या है अल्लाह सुबहना ताल नबी करीम अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि देखिए यह क़ुरान अपने आप में एक सच्ची किताब है आप इसके बारे में जो है शक में मत पड़िए आप मत सोचिए नाउज़िल्ला की ये बातिल है और उसके बाद जो है ये बताकर ये सारी बातों का ख़ुलासा करके अल्लाह सुबह ताली समझाना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी आपकी तरफ़ आपके रब ने नाजिल किया है इस, इस्पेशली यहाँ पर आप देखिए कुरान मजीद की तरफ इशारा किया जा रहा है और वो सब हक़ है यानी कि सब साब, साबित है बातें ये कोई मन घड़क बातें नहीं हैं ये कुरान जो रसूल सल की तरफ़ अल्लाह ने उतारा ये वाज़ हक़ है क्युं? क्यों क्योंकि इसकी जो खबरें हैं वो सच्ची है ये सच पर मबनी करती है हु? और उसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है हकीकी इल्म को ये शुमार किया इसने कुरान में जो भी इल्म है वो सब हकीकी है बनावटी कुछ भी नहीं है ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से आई हुई हैं ठीक है किस तरीके से अब आप देखें कि ये इस चीज़ की भी गवाही दी जा रही है ये हक़ बोलकर कि नबी करीम अलैहि वसल्लम पर जो इल्ज़ाम लोग जो लगाते थे हुँ? क्या इल्ज़ाम लगाते थे कि आपने ख़ुद ही इसको गढ़ लिया है और ये आपकी तरफ से गढ़ा हुआ है तो अल्लाह ने उस बेगुनाही का भी सबूत दे दिया कि नहीं ये अल्लाह की तरफ से है सोचें इतनी ख़ूबसूरत किताब और लोगों का रवैया क्या हुआ इसके साथ सोचिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि एक इंसान अगर किसी इंसान को कोई गिफ्ट देता है ठीक है कोई भी गिफ्ट छोटा हो बड़ा हो उसका कितना शुक्र अदा करता है लेकिन क़ुरान के बारे में देखिए क्या मामला है लोगों का ये इतना बेहतरीन तोहफा अल्लाह सुखाना ताली की तरफ से इंसान को दिया गया लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि कुरान के साथ लोगों ने क्या मामला किया लोगों का क्या रवैया कुरान के साथ रहा है अब यहाँ पर अल्लाह सबाना ताल ने कह दिया कि इस पर अक्सर लोग जो है इसको मानते नहीं हैं क्यों कितनी महरूमी है लोगों की देखें कि बात मानते ही नहीं है फिर एक सवाल उठता है अब यहाँ पर जैसे कि अक्सर लोग मानते ही नहीं हैं उस पर अगर हम बात करें कि क्या वजह है लोग क्यों जो है वो बात नहीं मानते हैं तो इसीलिए अल्लाह सबहाना ताल ने आयत नंबर दो में अब उसका रीज़न बताया है कि लोग बात क्यों नहीं मानते हैं देखो आयत नंबर टू में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यह कोई आम हस्ती की तरफ से नहीं उतारी गई ये किताब बल्कि ये बहुत बड़े हस्ती की तरफ़ से उतारी गई है ठीक है तो उससे पहले लोग जो है इसको मानते नहीं हैं अक्सर लोग तो याद रखिए कि कुरान के साथ लोगों का हमेशा यही रवैया रहा है लोग इससे जो है यानी कि फ़ायदा उठाने की चीज़ तो समझते हैं हु? सोचते हैं भाई हम इसको इसका वजीफ़ा कर लें ये कर लें वो कर लें और इस लेकिन इससे उनकी जो है दुनिया और आखिरत संवर जाएगी इसकी तरफ वो तवज्जो नहीं देते हैं है ना अल्लाह सुबहाना तआला देखिए कि आगे भी आ, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि किस तरीके से अल्लाह तआला ने सूरह यूसुफ़ में भी जो है कुरान के बारे में पीछे हम पढ़ चुके हैं हुँ? पीछे हमने पढ़ा सूरह यूसुफ़ में भी कि आप ख्वाह कितने ही हरीस हो जाए आप कितनी भी चाहत रखें इस क़ुरान की तरफ लोग आ जाए लेकिन अक्सर लोग इसको मानते ही नहीं हैं तो यही नहीं सिर्फ यहीं पर नहीं कई जगहों पर अल्लाह सबाना तला का ये शिकवा हमें नज़र आता है तो चले इन हम रीज़न देखते हैं कि अक्सरियत लोगों की क्यों ऐसी है जो मानते नहीं है अल्लाह सुबहान तला कहते ज़रा गौर तो करो ये देखो कि ये किताब तुम्हारी तरफ़ किस की तरफ़ से उतारी गई है अल्लाह लजी आज समवाद अल्लाह वही है वो जिसने जो है आसमानों को जो है बुलंद किया बग़ैर किसी सुतून के तुम देखते हो उसे ये क्या बात होगी चले इसको भी हम थोड़ा 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 समझ कर जो है वो समझने की कोशिश करते यह याद रखे कि यहाँ पर जो है बताया गया है कि अल्लाह सुबहाना ताल की ज़ात जो है वो ज़ात है जिसने आसमानों को बुलंद किया अल्लाह ताला की क़ुदरत का जो कमाल है इसके यानी कि अलहमदिल्ला हम, हमको इसके इसका गलबा इसका इकतदार इसकी अजमत हमें ऐसे बयान करने की ज़रूरत नहीं हम तमाम चीज़ों को देखते तो हमारे दिल में ख़ुद उसकी अजमत आ जाती है अब आसमान की तरफ सबसे पहले अल्लाह सुबहान तआला ने आसमान की तरफ तोजह दिलाई कि देखो ये जो आसमान तुम देखते हो इसमें कोई पिलर तुम्हें नज़र आता है कोई सुतून तुम्हें नज़र आता है नहीं आता है ना तो इस अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह सखाना ताली की क्रिएशन बहुत ही ज़्यादा जो है कमाल को पहुँचती है इंसान की बनाई हुई चीज़ों में अगर हम देखें तो इन आगे भी हम जाकर पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंसान की बनाई हुई चीज़ों में इंसान फॉल्ट निकाल सकता है लेकिन अल्लाह सख्ना ताली की बनाई हुई एक भी चीज़ में इंसान फॉल्ट नहीं निकाल सकता है देखे इतना बड़ा आसमान ज़रा फिक्र करें आपने कभी उसमें एक एक ज़रा सा सुराख भी देखा या कहीं उसको सपोर्ट के लिए कुछ देखा आपने नहीं कहीं भी आपको नहीं मिलेगा और उसी तरीके से अब यहाँ बात आती है कि अल्लाह सुबहाना तला ने देखे कि गौर फिक्र करवाया है क्यों क्योंकि अब लोगों को जब भी बात समझ नहीं आ रही है इस किताब के ज़रिए लोग हैं जो ईमान नहीं ला रहे हैं अल्लाह सुबहाना तै की किताब की आयतों के ज़रिए नहीं ला रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा ज़रा इन्हें जो है और मेरी मखलूक की तरफ दूसरे मेरी निशानियों की तरफ जो है वो तो दिलाओ जी हाँ और जो दूसरी हस्तियाँ हैं अल्लाह के अल्लाह ने जिसको बनाया है उनके ज़रिए इनको ईमान की दावत दो नेचुरल चीज़ें कुदरती चीज़ों के ज़रिए लोगों को जो है वो अल्लाह की तरफ बुलाओ तो याद रखिए कि नबी करीम सल वसम की तरफ अल्लाह सुखाना ने दो तरीक़े की वही भेजी है एक तो कि क्या इसका लिंक है इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि एक तो वही मतलू और एक मतलु वह मतलू क्या होता है जिसकी हम तिलावत करते हैं और गैर मतलू क्या होता है कि जिसके हम तिलावत नहीं करते हैं लेकिन उसके ज़रिए हम अल्लाह के करीब पहुंच सकते हैं आप बहुत डिटेल में जब कुरान की कुरान के बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको इन शाला समझ आ जाएगी अब वही मतलू क्या है जिसकी तिलावत की जाती है ये वही अल्लाह ने कैसे भेजी ये चिबीआसम के ज़रिए कुरान के शक्ल में अल्लाह अफाना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल्ली मुबारक पर कल्ब मुबारक पर भेजा अब आपको लग रहा होगा कि भाई इतनी खूबसूरत किताब और इतनी खूबसूरत नबी करीम अलैहि वसल्लम पर रब तआला ने भेजी तो लोग क्यों इसकी तरफ़ नहीं आते क्यों शक में पड़े हुए क्यों नहीं मानते हैं? तो जी हाँ सबसे पहली चीज़ तो इसमें शक की वजह से लोग नहीं आते हैं दूसरा अकड़ होती है उनके अंदर तकब्बुर की वजह से नहीं आते हैं हु? और उसी तरीके से अपनी मनमानी करते हैं किताब को मानते ही नहीं हैं और इसी के साथ साथ जो है वो इसको उन्हें अगर समझ में आ जाए तो मानना छोड़ देते हैं ऐसे बहुत सारे वजूहत है हुँ? तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है नहीं आते हो किताब की तरफ तुमने छोड़ रखा है नहीं मानते हो कायनात पर थोड़ा ग़ौर फिक्र करो तो याद रखिए कि अल्लाह साल का जो कौल है हु? कौल क्या है क़ुरान है और अल्लाह सुबहाना ताली का जो समझिए कि अमल है यानी अल्लाह अल्ला ने उस कौल को कैसे अमल में लाकर दिखाया तो वो है कायनात। अगर हम कायनात पर भी गौर फिक्र कर लेंगे तो इन श्ल्ला के करीब हो जाएंगे, ठीक है उसके बाद अल्लाह सुबहाना तै कहते हैं कि देखो तुम देखते नहीं हो कि ये जो आसमान इतना बड़ा मैंने जो यहाँ पर बनाया है दुनिया में तुम इसमें कोई सपोर्ट देखते हो बग़ैर किसी सतून के तुमने जो है वो देखा है कि मैंने क्या आसमान को कोई सहारे से बनाया है न? अब नॉर्मली देखिए कि, कि किसी को अगर एक शेडो एक अगर समझिए सपोर्ट के लिए या साए के लिए हमें पर्दा वगैरह भी लगाना है तो उसके लिए भी कील काटो, रस्सियाँ लगाओ और इतना सब कुछ देखिए अल्लाह ताला बोल रहे नहीं आसमानों को सहारा देने के लिए उनके नीचे कोई सतून अल्लाह ने नहीं लगाया है इनको सुतून से सहारा दिया होता तो वह तो, ज़रूर तुम्हें नज़र आता ये बोलकर कर अल्लाह सब मुझे और आपको क्या समझा रहे यही कि तुम लोग जो हैं ऐसे ही अल्लाह सुबहाना ताल को सहारा बनाने की कोशिश करो ना कि तुम किसी और को जो है वह अपने परेशानियों में दुख में किसी और को सहारा बनाओ जी हाँ आसमान तुम्हें बगैर सहारे के नज़र आता है तो तुम भी किसी को अपना सहारा मत बनाओ सिवाय अल्लाह के ये बहुत बड़ी एक समझिए कि हमारे लिए लेसन है इस आयत में कि वाकई जिसने अल्लाह का सहारा पकड़ लिया उसे किसी और के सहारे की और किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आसमान को ऐसे किसी पिलर से जो दिखता नहीं है नज़र नहीं आता है उसका सपोर्ट दिया गया है साइंस ने इसको प्रूव करने की कोशिश की कुछ ब्रिजेस आप ऐसे देखते हैंगे ब्रिज जो यू नो कि हैंग रहते हैं, हैंग रहते हैं बाहर कंट्रीज़ में अगर आपने देखा होगा नीचे कोई पिलर नहीं होता है लेकिन ऊपर कहीं ना जाने कहीं जाकर वो लोग उसको जोड़ते हैं और इस तरीके से हैंगिंग ब्रिज वग़ैरह वो लोग बनाते हैं नीचे सपोर्ट दिए बग़ैर ऊपर तो याद रखें कि ऐसी तमाम चीज़ें जो है ये ये करने की कोशिश इंसान की ये होती है कि नाउस बिल्ला वो क़ुदरत को मात देना चाहते हैं और साइंस को बढ़ावा देना चाहते हैं तो याद रखें आप अपने बच्चों को साइंस का बंदा ना इन इनायतों के ज़रिए आप बच्चों को समझा सकते हैं कि जिस रब के लिए इतना बड़ा आसमान खड़ा करना बग़ैर किसी पिलर के जो है वो मुश्किल नहीं है तो इंसान ये कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है चले आगे चलते हैं आगे अल्लाह सुबहाना तला ने जो है वो बड़ी खूबसूरत बात की है कि अब ये इतना काम करके आसमान का अल्लाह सुबहाना तै क्या हुआ सुब मस्तवा अर्श फिर वो अपने अर्श पर बुलंद हुआ ये क्या बात है अर्श पर बुलंद हुआ मतलब क्या है याद रखें कि यानी उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया अल्लाह सबहाना तै ने फिर अर्श की तरफ वो मुत्जा हो गया और उसकी ज़ात और उसके जलाल के देखिए ये लायक नहीं है कि हम अल्लाह सबाना ताली के बारे में ऐसी बातें करें कि वो अरश पर कैसा होगा लेटा है सोया है बैठा है ये तमाम बातें हमें हक नहीं हैं इस पर करने को बस हमारा ईमान है कि अल्लाह सबहाना जो है उसके ये सिफत है और अपनी सिफत और अपनी जो है वो यानी किदत की बातें करता है अल्लाह सफ़ाना ताली के लिए उसके ज़ात में किसी भी तरीक़े की तस्वीर लेना किसी भी तरीक़े की जो है एक तमसील करना ये इन तमाम बातों से अल्लाह सुफाना तै बरी है हुँ? और हाँ लेकिन याद रखें कि स्कॉलर्स के कॉल के मुताबिक हमें ये मिलता है कि इस तवाल अर्श को साबित किया गया है तो इस पर ईमान रखा जाए कुरान के ज़रिए हमें मिल रहा है ना अल्लाह ताला अर्श की तरफ टर्न ऑफ हो गया अब उसकी कैफियत बयान करना और दूसरी चीज़ों से उसको कंपेयर करना ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से ठीक है अब यहाँ पर सिर्फ अल्लाह ने कहा कि अल्लाह वहाँ पे टर्न ऑफ हो गए दर से हमारी बात यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए ठीक है किया क्या कि अल्लाह सुबहाना तला ने और उसने सूरज और चाँद को मुसर किया हर एक मक़र मुद्दत के लिए चल रहे हैं अल्लाह सोचिए अल्लाह सुबहाना ताल ने सूरज और चाँद को बनाया हर एक अपने काम पर जो है वो अपने वक्त मुकर तक चल रहा है इससे मतलब क्या है इससे मुराद क्या है ली अजलिन मुसलमा ये देखिए अजलिन मुसम्मा से ये बोलकर कर अल्लाह सुबहाना ने बता दिया है कि क़यामत आएगी जी हाँ किस तरीके से और यहाँ पर याद रखें कि अल्लाह सुखाना ताली ने जो है सूरज और चाँद के ज़रिए जो है वो आदम के औलाद को जो है रोशनी अता की और उसी तरीके से अल्लाह सखा ने बंदों के लिए अपने बंदों के लिए जो है वो मवेशी बागात खेत ये तमाम चीज़ों को जो है यानी कि पैदा किया है हर एक यानि कि चाँद और सूरज चल रहे हैं मुकर अंदाज से चल रहे हैं जैसा कि कई और मकाम पर अल्लाह रबुद ने फरमाया है देखे सुर यासिन में भी और सूरज अपने ठिकाने की तरफ़ चला जा रहा है ये सब पर गालिब है सब कुछ और तला जो है वह अपने अंदाज़े से कर रहा है तो याद रखें कि सूरज और चांद यहाँ पर दो ही चीज़ों की बात है ये ज़रा बड़ी गौरतलब बात है यहाँ तो सूरज और चांद जबकि यहाँ पे कुल जो है ये तमाम के लिए जाता है कुल जो है वो तमाम के लिए जाता है तो यहाँ इससे मुराद क्या है अल्लाह सुबहाना देखे कि ये लफ्ज़ लेकर और सूरज और चाँद यहाँ पे बताया है अपने अपने गर्दिश कर रहे हैं इसे पता चल रहा है कि और तमाम चीज़ें भी क़यामत के दिन अल्लाह सुबहाना ताली इसी तरीके से उनको जो है वो रोक देगा एक मुकर वक्त तक तो तमाम चीज़ें जो है वो चल रही हैं फिर क़यामत आएगी तो ये सब फना हो जाएँगे और देखिए कि चाँद जो है चाँद वो एक राउंड लगाता है तो महीने की मुद्दत को पूरी करता है और सूरज एक चक्कर लगाता है तो साल की जो मुद्दत पूरी करता है अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए हम जो हम क्या करते हैं सूरज और चाँद इनके जो इसके ज़रिए हम साल और महीने की जो है रफ़्तार को पता कर पाते हैं लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये लोग अपने काम में किसी भी तरीके की सुस्ती नहीं करते हैं ठीक है लेकिन कयामत आएगी तो अल्लाह सबहाना तौर इसको लपेट देगा फिर दूसरे जो है वो सूरज और चाँद अल्लाह सबहाना ताली जो है वो लेकर आएगा और क़यामत आएगी और जब इन्हें कि बंदों को जो है आखरत के घर में जो है मुंतकिल कर देगा अल्लाह ताला जहां वो हमेशा रहेंगे तब उस वक्त अल्लाह सुबहाना ताली आसमान को लपेट देगा और इनको यानी कि आसमान दूसरे आसमान से बदल देगा इसी तरह ला सुखरा ज़मीन को दूसरी ज़मीन से बदल देगा सूरज और चाँद बेनूर कर दिए जाएंगे और ये सब इकट्ठा करके जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे क्यों भाई ऐसा क्यों आप सोचेंगे जहन्नम में क्या क्या बेचारों ने जी हाँ वो इसलिए जो लोग इनकी इबादत करते थे ना सूरज देवता चांद देवता उनको लग पता जाएगा कि ये इबादत के लायक नहीं थे और फिर उस वक्त जो लोग इनको दुनिया में पूजते हैं उस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा हसरत महसूस होगी और कुफार को ये मालूम हो जाएगा कि ये सब झूठे थे इसी तरीके से देखें कि एक हदीस का जो मफहूम है कि अबू जर गफ़ारी रज़ी तल बयान करते हैं कि जब सूरज रूब हुआ तो रसूल अक्रम सम ने उनसे पूछा तुमको मालूम है ये सूरज कहाँ जाता है तो अबू जर रज़ी तैन ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल को इसका इम होगा भाई साहबा को नहीं पता होता था तो वो कुछ नहीं बोलते थे तो आपने फ़रमाया ये जो है आपने फरमाया ये सूरज ये जाता है और अर्श के नीचे पहुँच कर पहले सजदा करता है फिर दोबारा आने की इजाज़त चाहता है और उसे इजाज़त मिल जाती है और वो दिन भी करीब है जब ये सजा करेगा तो इसको वो सजा कबूल ना होगा और इजाज़त चाहेगा लेकिन इसको इजाज़त ना मिलेगी बल्कि उससे कहा जाएगा जहाँ से आया वहीं चला जा चुनाचा उस दिन वो मग़रब ही से निकलेगा अल्लाह ताला का फरमान है ये जो है सयासिन में वशम सुतजरीली मुस्तरल्ह के इसी तरह जो है अल्लाह ताला का इशाद होगा इसी तरह अल्ला सुफ़ी तै फरमाएगा कि बस तेरा वक्त पूरा हो गया है तू चला जा और अब हुर रज़ी तैन बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन सूरज और चाँद दोनों बेनूर हो जाएंगे जी हाँ हालांकि देखिए कुल्लू ला अजल मुसम्मा यहाँ पर मैंने कहा ना कि यहाँ तो दो लोगों की बात है लेकिन इस तरीक़े से तमाम चीज़ों को अल्लाह सुखी ताली जो है वो ख़त्म कर देगा बात उठती है कि याद रखें इससे मुझे और आपको यही समझाया जा रहा है ये फर्माबरदार मखलूक है अल्लाह सब की और इस पर हर इंसान को ईमान होना चाहिए कि अल्लाह सब ली अजल मुसम्मा करके कयामत आएगी और इसी तरीके से जो है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ठीक है आगे अब क्या बताया जा रहा है आगे यही बताया जा रहा है कि देखिए कि ये सब क्यों इतने प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं वो क्यों ये जो है वो एक वक, वक्त मुकर तक रहेंगे वो इसलिए के बिरुल अम्र अल्लाह सुखाना तला ही तमाम मामला को हैंडल करता है अब सोचे कि कोई और खुदा होता तो कितना ज़मीन फसाद मच जाता थे हैं ऐसे याद रखें कि एक जब इंसान एक के हाथ में काम करता है तो वो बहुत प्रॉपर काम करता है लेकिन इसी तरीके से जब वो अलग एक इंसान अलग अलग मुख्तलिफ लोगों के हाथों काम करता है तो वो बहुत मारा जाता है फिर वो तमाम निशानियों को खोल खोल कर बयान करता है क्यों क्यों अल्लाह ताला तमाम निशानियों को इसलिए बिल्को रब कुम तो इसलिए कि तुम अपने रब की मुलाकात का यक़ीन कर लो सुबहानल्ला सोचिए कायनात के हर एक क़ुदरती नज़ारे बोल बोल कर कह रहे भाई अल्लाह सुबहाना ताली की ज़ात है मौजूद वो है वो अपने मुल्क में तमाम हालात में मुकम्मल तशरफ जो रखता है वो बिल्कुल उसको कोई नहीं चाहिए उसके साथ काम करने के लिए वो ज़िंदा करता है वो मारता है वो तमाम चीज़ों को ऐजाद करता है और वही रखता है तमाम को बाकी और वो गनी है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है वो जो है इंसान को गनी करता है वो फकीर भी करता है और अपने बंदों में जिसको चाहता है वही उस पर नाजिल करता है और ये उसकी कुदरत और रहमत की दलील है सुबहानल्लाबहाना तैाली देखे कि आगे फरमाते हैं वो निशानियाँ तुमको खोल खोल कर बयान करता है तो याद रखें कि यहाँ पर जो है वो आ, अल्लाह की बात का जो अल्लाह की मुलाकात का यकीन कर लेना यानी अगर तुमने दुनिया में रब को नहीं पहचाना तो आखिर तुम्हारी घाटे में चली जाएगी और देखिए अक्सर यहाँ पर हम पढ़ते हैं यू मिनून तू मिनून लेकिन यहाँ पर तू किनून आया है तो क्या पता चला ईमान से ज़्यादा दर्जा यकीन का होता है अगला दर्जा यकीन का होता है जी जब कोई इंसान ईमान के साथ साथ पूरे यकीन से अल्लाह को मान लेता है आखरत को मान लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको यकीन आ जाता है उसके रब की मुलाकात का सोचिए ज़रा घर में इंसान ज़रा सा काम कर लेता है ज़्यादा तो पूरे पूरे घर में उसकी हलचल मच जाती है मगर सोचिए अल्लाह सब कुदरत में कितना सकून है क्या वजह है कि इतना सकून है जी हाँ क्यों क्योंकि ये अल्लाह की कायनात है वो मुदब्बिर है वो इसकी तदबीर कर रहा है देखिए कि ये जो क़ुदरती चीज़ें होती है ना नेचुरल थिंग्स जो अल्लाह सुबहाना तला ने बनाई है इसको अपना उस्ताद बनाइए इससे कुछ सीखिए आज इंसान की ज़िंदगी में इतने गम और हम क्यों हैं क्योंकि वो बिल्कुल कायनात से हटके काम करता है आज भी अगर आप बहुत खुश रहना चाहती हैं तो फिर नेचर पे रहने की कोशिश करें जी हाँ जब इंसान कायनात के ख़िलाफ़ काम करता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में हलचल मच जाती है आप सोचिए कि, कि किसका अगला दिन बहुत बेहतरीन होता है उसी का ना जो एक दिन पहले की रात की नींद को अच्छे से लेगा क्यों क्योंकि अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाया है जब वो आराम की नींद लेता है तो फिर अगला दिन उसका बहुत बेहतरीन गुजरता है जी हाँ रात को जागता है इंसान तो अगले दिन कैसे वो काम अच्छे से कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसी तरीके से देखें कि अल्लाह सुखाना यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्लाह के कुदरती नज़ारे यानी कि इनकी कोई छुट्टी नहीं होती है कभी आपने नहीं देखा होगा कि सूरज निकल रहा है तो उसकी शक्ल पे बारह बज रहे हैं चाँद निकल रहा है तो वो अपनी रोशनी देने को जो है वो इनकार कर रहा है और फूल निकल रहे हैं तो वो बिल्कुल यानी बड़े सुस्त सुस्त से हैं जी हाँ क्यों इन में इतनी ताज़गी है क्यों नेचर इतना फ़्रेश है क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पर चल रहे हैं जी हाँ है। अगर मैं और आप भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना तो क्या करना चाहिए हमें नेचर पर रहें बिल्कुल उसी तरीके से याद रखें कि अल्लाह है देखिए कि अल्लाह ने जो है वो सारी मखलूक को जो है वो बेफायदे पैदा नहीं किया है और ना उनको यूं ही छोड़ दिया है याद रखिए इसी तरीके से अल्लाह तला सबक देना चाह रहे अम्बिया और रसूलों को यू ही नहीं भेजा है बंदों के लिए भेजा है अल्लाह ने ताकि उनके पास किताबें लेकर जाएं और उनको सही रास्ता दिखाएं इस दुनिया में हमेशा उनको नहीं रहना है बल्कि उन्हें मुंतकिल होकर इस दुनिया से दूसरे दुनिया में भी जाना है कौन सी दुनिया जहाँ पर उनके आमाल की सज़ा और सजा उनको दी जाएगी निकोकारों को बेहतरीन बदला दिया जाएगा बदकारों को उनको जो है वो उनका बदला बदतर ही दिया जाएगा अब यहाँ पे सवाल उठता है कि रब की मुलाकात से क्या फ़ायदा है तो याद रखें कि जब एक इंसान रब की मुलाकात का यकीन कर लेता है तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आते हैं कैसे जब रब के मुलाकात का यकीन करता है तो हिसाब किताब का यकीन आ जाता है जजा और सज़ा का यकीन आ जाता है अल्लाह के इंसान जब रब की रजा यानी उसको मुलाकात का यकीन आता है तो अल्लाह की रज़ा के काम करने लगता है वो और इसी यकीन से इंसान जो है वो रब्बानी बन जाता है रब वाला बन जाता है तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह से ख़ाना हमें जो है वो अपना बंदा बना ले अपना ख़ास बंदा बना ले और हमें भी उसकी जो है क़ुदरती मनाज पर जो है वो यकीन करने वाला बनाए ग़र फिक्र करने वाला बनाए और एक बाशूर इंसान बनकर जो है वो अच्छा बंदा बनकर जो काम करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी से गम और मुसीबत को इस तरीके से दूर कर दें नेचर पर रहकर जैसा कुम्ल ख़ैर व अल्लाहमदे सुखान व का, का। नशःु अल्ला नस्त फ़िर का बना तुब रबना तकबल मना का अंत समीम व तुबालना का अंत तवाबल रहीम आमीना रबालमी असलकम्बरक